In space, no one can hear you scream. But apparently they can hear you go om 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 om. तू सीटी क्या बजा रहा है बार-बार? Welcome to Cringer Things. आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान. आज कोई मिल गया का रिव्यू आने वाला है चैनल पे. संभाल लेना भगवान. इंडिया की पहली हिट एलियन मूवी जिसका टाइटल क्रेडिट्स बिल्कुल भी स्टार वॉर्स से कॉपीड नहीं है. हेलो देयर. आई से फर्स्ट हिट मूवी बिकॉज़ देयर इज अ मूवी नेम्ड कलाई अरसी, होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, व्हिच वाज द फर्स्ट इंडियन मूवी टू फीचर एन एलियन इन 1963, फॉलोड बाय अनदर वन इन 1967 कॉल्ड वहां के लोग. ये ट्रिविया तुम उतनी ही जल्दी भूल जाओगे जितनी जल्दी इस फिल्म में ऑडियंस एंड जजेस बास्केटबॉल के रूल्स भूल गए थे. ईटी वाज एलिजिबली कॉपीड फ्रॉम अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय सत्यजीत राय. एवरीवन नोज दैट. मेनी आइडियाज इन द एलियन आर इन ईटी. The Alien was an unproduced Indian-American science fiction film in development in late 1960s, which was eventually cancelled. It was to be directed by Satyajit Ray and co-produced by Columbia Pictures. And the idea had to be dropped. Spielberg ne idea aise churaya jaise ye bacche party se khana churate. And Spielberg, of course, denied it. So basically, E.T. was a copy and koi mil gaya copied E.T. So everything is a copy of a copy of a copy. It goes on and 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 on. Rohit Mehra, who literally I'm the most jealous of in this entire movie, isne accidentally aliens bula liye. Yes, he's like, one day I was playing on my computer with my girlfriend and boom, alien. That's not even the crazy part, okay? So, there's an alien who comes to your house in the middle of a jungle. Yeah, मेरा घर रास्ते के ऊपर है. Domino's नहीं आता यहाँ. और उसके घर alien चला गया. So that's crazy. It is crazy. और तो और, उसे ठीक भी कर दिया पूरे तरीके से. उसके ऊपर superpowers free. मुफ्त, मुफ्त, मुफ्त. और ऐसा भी नहीं है कि इसी के पास रहेंगे पावर, समझ रहे हो? जेनरेशनल गिफ्ट. तू, तेरा बेटा, तेरा पोता, सबके सब सुपर हीरोज. ऊपर से ये हिपोक्रेट भी है. तुम लोग मेरे दोस्त हो और हमेशा रहोगे. Few moments later. मैं बच्चों से बात नहीं करता. Another character is Nisha. That year, Preeti Zinta romanced not one but two Rohits. And dono Rohit ko groom karke, both their mentors left this planet. Find it too dark, deal with it, man. मैं तुम्हारी girlfriend ही तो हूँ. सच? मुझ? अरे निशा, giving false hope to our lad now, are we? नहीं नहीं. एक पुलिस ऑफिसर है who is really strict. वो बिल्कुल गुंडा गर्दी tolerate नहीं करते. Get it? No? और है राज, जिसको बास्केटबॉल खेलना अंजलि से भी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ही ब्रिंग्स हिज बॉल एवरीवेयर. एंड व्हेन आई से एवरीवेयर आई मीन एवरीवेयर. क्लब में बास्केटबॉल लेके आया है कूल बनने के लिए. जस्ट 90s विलन थिंग्स. ये बेचारा रोहित अकेले बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था, यहाँ भी पहुंच गया. He's like, मेरे बास्केटबॉल को टच किया, मदर मेरी की कसम बड़ा वाओ कर दूंगा तेरा. Also, hello Raj, Ross called, he wants his shirt back. Raj के कुछ दोस्त भी हैं जो सिर्फ चार काम करते हैं. बाइक चलाते, बास्केटबॉल खेलते, मारपीट करते, क्लब जाते. गिवन द फैक्ट दैट दिस गर्ल नोज दैट रोहित हैज अ ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड, शी स्टिल कंटिन्यूज टू मोलेस्ट हिम. इट्स जस्ट सो रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ. और है रोहित की चिल्लर पार्टी जिनमें से दो के पास डायलॉग्स ही नहीं है. एंड इफ यू थॉट हंसिका मोटवानी हैड अ ग्लो अप, दिस इज व्हाट टंटना लुक्स लाइक राइट नाउ. लाइक वो. मेरी मम्मी बिल्कुल सही कहती है कि किस करने से पहले थोड़ी फ्रेंडशिप बढ़ाई जानी चाहिए. मैं तेरी माँ से मिलना चाहता हूँ. This is a very cute story of a very cute and cuddly solar powered alien who can literally make humans better by giving them superhuman abilities, can reverse brain damage, can build someone's body in a day, like literally this small ball of kuchu puchu lutu wutu can make people fly in broad daylight. And what do we humans ask Jadu to do? Sing and dance. Yeah, we ask Jadu to sing and dance. Check that. Like that.
wicked. Like, क्या पता जादू अपने प्लैनेट में इज लाइक दिस स्कॉलर, ओके 300 ईयर ओल्ड प्रोफेसर, या यू नो लाइक ही इन्वेंटेड स्पेस स्टफ, और यहाँ ये लोग इससे मुजरा करवा रहे हैं. जादू भी लाइक जब रिटायरमेंट दे रहे थे तब ले लेना चाहिए था, इस चक्कर में फंसा दिया. अभी बच्चों को बास्केटबॉल जिताने के चक्कर में मेरे को बोरी में बंद करके रखा हुआ है. मस्त घूमने आया था ये एडवेंचर करने. छोटे उस्ताद, द पर्सन हु प्लेस जादू बिहाइंड द कॉस्ट्यूम इज ऑल्सो लाइक आई वर्कड इन लॉर्ड ऑफ द फ्रिगिंग रिंग्स, और ये लोग मुझसे मुजरा करवा रहे हैं. ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा. सो रोहित्स डैड, अ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट विद वेपन्स, बेसिकली अ स्पेस साइंटिस्ट, सेंट सिग्नल्स इनटू स्पेस एंड दैट कॉज्ड एन एलियन स्पेसशिप टू लैंड इन कनाडा. Which is bizarre because he apparently sent sound signals. मैंने space में sound signals भेजे हैं. चचा, sound तो articles के vibration के through travel करती है, right? और space तो vacuum है. तो ये sound alien तक कैसे पहुँचा? और ये aliens Canada तक कैसे पहुँचे? कुछ भी हो सकता है. This is why writers should consult with actual scientists before writing science fiction. Science fiction का ये मतलब थोड़े है कि you take all of science as a fictional thing. ऐसे नहीं होता है. दुनिया हर नई बात को पहले ठुकराती है, बाद में मान लेती है. तो मेरे पास एक थ्योरी है, मैं शेयर करती हूँ. तो मुझे पता नहीं क्यों मगर लग रहा है कि ये स्पेस साइंटिस्ट चाचा के साथ ना कोई थोड़ा VFX वाला प्रैंक करने की कोशिश में था. मस्त जोक मारा रे. और क्योंकि ये मर गया एंड स्टफ एस्केलेटेड रियली क्विकली, या इट गेट्स डार्क. दूसरी दुनियाओं को खोजने वाला खुद पता नहीं कौन सी दुनिया में चला गया. So they were like, nah bro, I'm out of here. And they just fled. I have always wanted to share this theory. You know, I ardently believe in this. VFX prank gone wrong, gone wild. उनके बाद मैं कनाडा में किसके सहारे रहती, इसलिए यहाँ अपने घर आ गई. लेकिन म्यूजिक वीडियो शूट करने वापस वहीं चलेंगे. लोकेशन मैटर्स. जब आपका एक्सीडेंट हुआ था और जिस तरह आप अपने पेट के बल गिरी थी तो बच्चे के दिमाग पर चोट लग गई. और यहाँ मम्मी जी सोच रही हैं कि इतना डिस्क्रिप्शन तो दिया भी नहीं था मैंने डॉक्टर को, इसे कैसे पता. देखते ही देखते रोहित बड़ा हो गया, लेकिन ये पुलिस वाले को फुर्सत नहीं मिली टू रिपेयर दैट ब्रोकन विंडो. ठीक है, पुलिस की नौकरी में कहाँ टाइम मिलता होगा. सुखवानी, जो काम तुमसे कहा गया वो करो. इसने गाना बजाया और एलियंस आ गए, वो भी सेम डे डिलीवरी. मान लेते हैं इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जो लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करते देती है. इवन देन अगर इतनी जल्दी आ गए हैं तो दे मस्ट नॉट बी लाइक एलियन, यू नो, लाइक फार ऑफ एलियंस. ये पड़ोसी ही होंगे कोई, और मे बी दे आर लिविंग जस्ट आउटसाइड आवर एग्जोस्फियर बट हैव कम अप विद दिस ब्रिलियंट क्लोकिंग टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स देम हाइड अमंग द स्टार्स. वैनिश. ओह, इलॉन मस्क बेकार में मार्स कॉलोनाइज कर रहा है, उसे कोई मिल गया दिखाओ यार. कोई यार, जिन्होंने फिल्म बनाई है उन्होंने इतना लॉजिक नहीं लगाया, मैं बेकार में इतना मेहनत क्यों कर रही हूँ, हटाओ यार. तो एलियंस कसौल आए हैं और उनका स्वागत करने के लिए इन्होंने रखा है कॉमिक कॉन, वेयर पीपल कॉस्प्ले लाइक एलियंस. दिस इज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलियंस. अब एलियंस भी ऑफेंड हो गए मान लो, तो कहाँ जाएंगे हम सब. भाड़ में गया रिसर्च, यू टर्न मारना और फुल स्पीड में भागना. After hyping up मटका makers, जो मटका जोड़ सकता है वो कुछ भी कर सकता है. What a weirdly specific way to hype pottery industry, man. Rohit and Nisha, being the nosy brats they are, जंगल जाते हैं और मिलते हैं जादू से. मन हो गया हमारे दोस्त. मन तो नहीं था, लेकिन जादू को दोस्ती करनी पड़ी इनसे. Yeah, fine. What choice do I have? मिला ले हाथ भेंडी. मेरे प्लैनेट वाले तो छोड़ के कट लिए. ऑप्शन ही क्या है बे. So, their sole objective is to hide जादू from the world. That's exactly what they did by taking जादू outdoors to sing and dance out in the open, एकदम खुले मैदान के बीचों बीच. Where जादू creates huge clouds in the sky that look like human faces. कहो ना प्यार है में, pink skirt लकड़ी पे टांग के इसने rescue बुलवाया था. If that was a signal, then this तो I understand. Come on, they're just having fun. इतने बड़े बड़े बादल थोड़ी देखेगा कोई. और तो और, a big bag with two eye-shaped holes cut in it. यही तो है portable cloaking device. Stealth Max Pro. They treat जादू so badly overall. Oh God, see, जादू धूप खाता है, लेकिन उसे कोक पीना पड़ेगा क्योंकि न्यूट्रिशन जाए भाड़ में, प्रोडक्ट प्लेसमेंट जरूरी है. ओके, मैं एलियन होती तो कभी वापस नहीं आती.
हॉस्पिटैलिटी के नाम पे सिर्फ हॉस्टिलिटी है। जादू तारों के बीच ट्रैवल करके आया है, उसे एटलीस्ट 3 स्टार्स का तो सर्विस दो। इतनी खराब सर्विस है यहाँ कि जादू ट्रॉमा में चला जाता है। यस हे भगवान, एलियन को एंजाइटी हो गया आर्ता के। भगवान, ये पॉसिबल है? दिस इज द सिनेरियो। An Indian mom barges into her teenage son's room and finds him with a girl trying to hide something. कुछ नहीं कर रहे माँ, कुछ नहीं कर रहे ना। इस सिचुएशन में अगर ये दोनों बोलते कि ये लोग ड्रग्स कर रहे हैं, that would have been a more believable answer than what they're actually doing. एक एलियन को टोकरी के अंदर छुपाना। ये पॉसिबल है? There's a bit of a crisis involving police and feelings and the green eyes of Hrithik Roshan. That's solved in the climax and end में जादू single-handedly Krish cinematic universe का material इन सब को देकर चला जाता है। Bye bye जादू, Bonvita अगले 420 साल तक कौन सी movie के sequels and spin-offs sponsor करेगी final हो चुका है ये। बना लूँगा, फिर देखना। I have a genuine question though. पिकनिक वाले सीन में बच्चे तो स्कूटर से आए थे राइट? मम्मी जी आप कैसे आई थी यहाँ? चल के पिकनिक का टोकरी बलून और चटाई लेके चलते चलते कनाडा आ गई आप। वेरी फिट। कैसी पहेली है ये? नॉट गोना लाइक टू दिस डे हाइला हाइला हुआ हुआ क्रीप्स द बवेजा आउट ऑफ मी। क्या गाना है ये? हाँ, वो तो है। कहो ना, प्यारा वाला चश्मा और ये वाला चश्मा सेम है। फॉर सम रीजन आई फॉरगिव तानी फॉर नॉट आइडेंटिफाइंग हर हस्बैंड। ठीक है, हो जाती है गलती, अब क्या ही। मूवी खराब नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मूवी क्या प्रमोट कर रही है। देखो, ऋतिक रोशन के बाइसेप्स है, वो मूवी के स्टार्ट से है। पहले बाइसेप्स छुपाओ फिर दिखाओ, ये उसे कहोना के टाइम से आता है। लेकिन हम बच्चों ने देखा एलियन पावर, हमको भी चाहिए बाइसेप्स और बास्केटबॉल की नॉलेज, क्योंकि स्कूल में बुली तो हम भी हुए ना। समस्या ये हो गई कि हमारे पास एलियन नहीं है, लेकिन क्या है हमारे पास? यस, द वेरी सेकंड बेस्ट ऑप्शन फॉर मसल ग्रोथ। चुस्ती फुर्ती और शक्ति के लिए बोनवीटा बहुत जरूरी है। लीटर लीटर बोनवीटा चुटकियों में खत्म करने की तलब इस मूवी ने दी थी मुझे। बाइसेप्स तो आज भी नहीं है, लेकिन भगवान की मेहरबानी से एक यूट्यूब नाम का प्लेटफॉर्म है जहां मैं अपना भड़ास निकाल सकती हूं। देखो कितना बड़ा आदमी बन गया। थैंक यू। बट यार सीरियसली दो, आई रियली थिंक दिस इज ऋतिक रोशन बेस्ट परफॉर्मेंस। सॉरी गुजारिश एंड सुपर 30 फैंस, बट दिस इज जस्ट ब्रिलियंट। सच मच। एंड आई लव द फैक्ट दैट छोटे उस्ताद हु प्लेज जादू आल्सो मेड अ कैमियो इन द बास्केटबॉल गेम ऑडियंस। दैट वाज रियली कूल। ओम इज अ हिंदू रिलीजियस वर्ड व्हिच हैज ऑल द वाइब्रेशंस ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, साइंस फिक्शन में भी अब रिलीजन घुसा दो। दिस इज द फर्स्ट ब्लॉकबस्टर साईफाई एलियन मूवी ऑफ इंडिया दैट हैज वेरी लिटिल साईफाई एंड एलियन इन इट। इज दिस द क्लोजेस्ट टू एवटार इंडिया विल एवर गेट? For a country filled with people with superb imagination and resources, please, 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 let's make proper alien movies, please. जादू running down the hill. If Rohit Shetty directed कोई मिल गया. रोहित रनिंग डाउन द हिल, बल्ब्स ट्विंकलिंग, शाओलिन बास्केटबॉल, ब्रांड्स, इंटरस्टेलर बेमैक्स। हेलो, आई एम बेमैक्स, योर पर्सनल हेल्थ केयर कंपेनियन। निशा कॉस्प्लेइंग जादू, पागलपन अ टेड टॉक, क्योंकि पागल बोलने से ये पता नहीं चलता कि पागल किस किस्म का पागल है और उसका पागलपन जो है वो पागलपन की कौन सी कैटेगरी में आता है। One eternity later. In short, this is small summary on पागलपन। Into the Bonvita verse. Okay, curies, I really loved working on this one क्योंकि first of all मुझे ज़्यादा बार देखनी नहीं पड़ी, already करीब 200 से 300 बार देख चुकी हूँ। It was refreshing अपने बचपन के सारे theories, complaints तुम लोगों से share करना। Well, how did you feel about this? Comment down below. I love कोई मिल गया and I will continue watching it on my bad days for that dose of serotonin with a bowl of सूखा bonvita in my hand. तुम भी यही करना।
बॉर्नविटा तो होना चाहिए, हम आज ही मंगाएंगे और पियेंगे भी। टिल द नेक्स्ट वन, ओके चलो बाय। यू नो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि व्हाट वुड जादू से इफ जादू वाज एक्चुअली अ फूडी। ओम नोम 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 ओम नोम नोम नोम। दिस इज सो बैड।